कर लिए। इन चारों सैंपल को प्रिपेयर, मान लिया फॉर एग्जांपल इसमें सॉइल जो आई है यहाँ तक आई है, आपने 50 ग्राम सॉइल ऐड कर लिया, तो इसमें आप इतना वाटर ऐड कर लो ताकि ये 50 ग्राम सॉइल जो है अच्छे से सेक हो जाए, है ना। लिमिट ये है कि चारों सैंपल्स के अंदर आपको इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है और सॉइल भी इक्वली। हाँ, सॉइल भी इक्वली। मान लिया मैंने इस सैंपल के अंदर 50 ग्राम सॉइल डाली थी, इस सिलेंडर के अंदर, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर 50 ग्राम सॉइल डाली, तो जो इससे अलग जो चारों जो सैंपल जो होंगे ये वाले, इनके अंदर भी आप 85 ग्राम डालो, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। अब इसके अंदर जो वाटर ऐड करोगे, मान लिया हमने इसके अंदर इतना वाटर ऐड कर लिया यहाँ तक का 20 ml तक का, तो जितने भी मेजरिंग सिलेंडर हैं सबके अंदर इतना ही वाटर ऐड करोगे। सबने अपने सैंपल रख दिए, तो अब ध्यान दे लो, बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग के लिए सारे सैंपल्स में इक्वल वाटर होना चाहिए और इक्वल सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ वेट बैलेंस मशीन नहीं थी, तो कोई बात ही हमने अप्रोक्सीमेट दे लिया कि शायद जितनी सॉइल 50 ग्राम होगी। अभी इसको लेवलिंग कर देते हैं। अब इसमें होगा क्या, अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो इस सॉइल, इस सैंपल को हम लोग ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे इसमें हवा ना लगे, जैसे ऊपर फैन चल रहा है तो कुछ ना कुछ हवा आ रही होगी, तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि सैंड, सिल्ट और क्ले के कंटेंट प्रॉपर सेटलिंग नहीं होंगे। अगर कवर कर दो तो उससे बेटर कोई बात ही नहीं है।